बुरहानपुर जिले में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल का 9वां दिन है। जिलाध्यक्ष रविंद्र सिंह राजपूत द्वारा बताया गया कि हड़ताल के 9वें दिन संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी अपने लंबित 2 सूत्रीय मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन स्वरूप झुंझुना लॉलीपॉप दिखाकर प्रदर्शन किया है। तो बुरहानपुर जिले में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी अपने जायज मांगों को लागू करने हेतु विगत वर्ष 2013 से हड़ताल कर रहे हैं। हड़ताल के प्रथम वर्ष 13 दिवस की हड़ताल के उपरांत मुख्यमंत्री के निज सचिव द्वारा मांगों को पूर्ण करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन आज तक किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं दिया गया। इस बार संविदा कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अडिग है और मांग को लेकर नारेबाजी नियमितीकरण की मांग की है। नियमित होते तो आज कुछ न कुछ मेरा और मेरे बच्चे का होता। संविदापन है और कुछ नहीं हुआ है। 3 महीने पहले उनकी मृत्यु, उसके बाद कोई राशि डिपार्टमेंट से आपको? अभी तक तो कोई राशि का भुगतान नहीं हुआ है। ये ऑफिस का करवाना था आवेदन, पता चला कि यहाँ पे हड़ताल हो रही, तो मैंने सोचा कि मैं जाकर मिलूँ। और ये जो हड़ताल हो रही है वो उनके सपोर्ट में मैं हूँ कि आज जैसा मेरे साथ हुआ कल इनके साथ नहीं। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ की हड़ताल लगातार जारी है। आज हड़ताल का 9वां दिन है। 9वें दिन हमने लॉलीपॉप और झुंझुना वाली गति का आयोजन किया गया है। देखिए, मामा जी ने हमें केवल झुंझुना जो है, मतलब नीति जो है वो लागू करके झुंझुना थमाया है, और अभी 5% आप ले लीजिए और हड़ताल ख़त्म कर दीजिए, इस तरह के लॉलीपॉप दिए जा रहे हैं। हम मामा जी को बताना चाहते हैं कि हम उनके बहकावे में आने वाले नहीं हैं।